आपने जो डॉक्टर बनने का सपना सोचा है ना, वो सपना आपका अकेले का सपना नहीं है। आपके इस सपने के साथ आपके पापा की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके माँ के सपने जुड़े हुए हैं। आपके माता पिता के सपनों को साकार करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। आप खुद से एक सवाल करिएगा कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है डॉक्टर बनने का, एम्स दिल्ली में जाने का, अच्छे कॉलेज से MBBS करने का, क्या आप उस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं? क्या आपने सपना इतना बड़ा देखा है लेकिन आप मेहनत इतनी सी कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि आप अपने माता पिता की उम्मीदों को कुचल रहे हैं। एक दो साल लगकर मेहनत कर लीजिए, फिर जिंदगी में आपने अपने आपके माता पिता के जो सपने हैं वो सारे के सारे सपने आप साकार करते हुए जाए। एक बात आप ये भी सोचिएगा कि एक बच्चा 12 से 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है और आप सिर्फ 1 या 2 घंटे कभी पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि ऊपर वाला जो है भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हो, किसका सिलेक्शन वो पहले कराएंगे? आप कभी सोचना इस बारे में। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अभी से लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को पढ़ाई में बहुत व्यस्त रखिए। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो जिंदगी में आप जो चाहेंगे वो करेंगे। और मैं आपका बायोलॉजी सखा अभय गुप्ता दुआ करूंगा कि आपका नीट में, MBBS में इसी बार सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इस वीडियो से थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो और आपके अंदर अगर मेहनत करने के लिए जुनून आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।